कि उसका कोई कॉमन गोल होता है सेकेंड वहां पर बहुत सारे लोग काम करते हैं और तीसरी चीज कि वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में होता है तो ये तीनों चीजें ट्रेड यूनियन में भी देखने को मिलती है इट इज फॉर्म्ड बाय एम्प्लॉइज तो एम्प्लॉयज मिलके इसको बनाते हैं ऑन ए कंटिन्यूअस बेसिस फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग अब जितने तरह के बेनिफिट आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन से मिल सकते हैं और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको नहीं दे रही है तो आप ट्रेड यूनियन को फॉर्म करके उन सभी बेनिफिट्स को लेने की कोशिश करते हैं और मैनेजमेंट में प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं या अपनी बात को मनवाने की कोशिश करते हैं दट इज वॉट द ऑब्जेक्टिव या वॉट इज दैट इज वॉट ट्रेड यूनियन इज इसके अलावा एडविन बी फिलिपो ने भी एक डेफिनेशन दी थी डेफिनेशन वाज ट्रेड यूनियन इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर्स की ऑर्गेनाइजेशन है वर्कर्स का फॉर्म्स टू प्रमोट प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट तो आपको तीन चीजें करनी है पहले पीपीआई करना है पीपीआई मतलब प्रमोट करना है प्रमोट करना है किस चीज को अपनी बातों को अपने डिमांड्स को प्रोटेक्ट करना है किस चीज को अपने राइट्स को और इंप्रूव किस चीज को करना है तो इंप्रूव करना है वर्किंग कंडीशन को इन तीनों चीजों के ऊपर आपको काम करना है प्लस आपको यह भी इंश्योर करना है कि आपके सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट है किसी का भी किसी भी वर्कर का वो भी उसका भी नुकसान ना हो वो अपने सारे मेंबर्स की प्रोटेक्शन का ध्यान रखता है एक कलेक्टिव एफर्ट्स हम लगाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड यूनियन तो दिस इज व्हाट ट्रेड यूनियन इज लेट्स टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑब्जेक्टिव इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज स्टडी एम्प्लॉयमेंट अब स्टडी एम्प्लॉयमेंट क्या होता है एम्प्लॉयर मे नॉट गारंटी फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट हर एम्प्लॉयर ऑफ वर्कर को फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट नहीं गारंटी कर सकता एंड दैट इज द रीजन व्हाई ट्रेड यूनियन ये इंश्योर करती है या मेक श्योर sure करती है कि वो लगातार मैनेजमेंट से नेगोशिएट करती रहती है लगातार वो उससे बात करती रहती है सो so दैट कि वो अपने अपने मेंबर्स के लिए रेगुलर इंप्लॉयमेंट जनरेट करा पाए क्योंकि ये मैनेजमेंट अपने तरफ से नहीं करती इसलिए ट्रेड यूनियन को लगातार ये नेगोशिएशन करते रहना पड़ता है कि किसी भी तरह से उनके मेंबर्स की जॉब बनी रहे और उनको एक स्टेडी एम्प्लॉयमेंट मिले थ्रू आउट द ईयर सो दैट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव सो द सेकंड ऑब्जेक्टिव इज रैशनलाइजिंग पर्सनल पॉलिसीज अब इसके बारे में जानते हैं क्या मतलब इसका जॉब सिक्योरिटी और इंसेंटिव ये दो चीजें तो डेफिनेटली ट्रेड यूनियन ट्राई करती है कि आपको इंसेंटिव भी अच्छे मिले मतलब आपको सैलरी भी अच्छे मिले बोनस अच्छा मिले इन चीजों के लिए तो ऑब्वियसली ये काम करते ही करते हैं प्लस जॉब सिक्योरिटी के लिए मैंने जस्ट आपको बताया कि उसके लिए भी काम करते हैं बट इसके अलावा ट्रेड यूनियन का यह भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि वो वेरियस पॉलिसीज जो कंपनी बनाती है खासकर जो वर्कर से रिलेटेड पॉलिसीज हैं लेबर से रिलेटेड जो पॉलिसीज हैं वो उसको भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें अब इन पॉलिसीज में क्या आता है जैसे कैसे प्रमोशन होगा कैसे ट्रांसफर होगा कैसे होगा तो ये सारी जो policies, जो company, जो पॉलिसीज़ मैनेजमेंट बनाती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेड यूनियन उसको भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है वो उसमें भी इंश्योर करने की कोशिश करती है कि वर्कर के इंटरेस्ट की बात हो वर्कर के फायदे की बात हो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड यूनियन तीसरा ऑब्जेक्टिव है दैट इज वॉइस एन डिसीजन इफेक्टिंग वर्कर्स वैसे बहुत सारे डिसीजन होते हैं जो कहीं ना कहीं वर्कर्स को इफेक्ट करते हैं वो डिसीजन क्या होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं तो कोई भी ऐसा डिसीजन जो कि शेड्यूल ऑफ वर्किंग से जुड़ा है या टाइमिंग ऑफ वर्किंग से जुड़ा है या किसी अडोप्शन ऑफ न्यू टेक्निक या टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है अगर इस तरह का कोई भी डिसीजन कंपनी ले रही है तो ट्रेड यूनियन उसमें भी इंफ्लुएंस करती है उसमें भी अपनी बात को सामने रखने की कोशिश करती है दे मस्ट एंश्योर दैट मस्ट बी कंसल्टेड मैनेजमेंट को उनको कंसल्ट करना चाहिए बिफोर एग्जीक्यूटिंग एनीथिंग सो दैट की कोई भी ऐसा डिसीजन मैनेजमेंट ना ले ले जिससे वर्कर्स का बहुत ज्यादा लॉस हो जाए इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल लॉस ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ वर्किंग कंडीशन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज रिक्शन इन पार्टिसिपेशन सो वॉट इज रिकॉग्निशन इन पार्टिसिपेशन गेटिंग रिकॉग्निशन फ्रॉम द मैनेजमेंट इज अ टफ टास्क टू डू कोई भी मैनेजमेंट जल्दी ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहती एंड दैट इज द रीजन व्हाई वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेड यूनियन इज टू कन्विंस मैनेजमेंट वो मैनेजमेंट को कन्विंस करने में लगे रहते हैं सो दैट कि ट्रेड यूनियन को एक रिकॉग्निशन मिल जाए वो एक स्टैचरी बॉडी बन जाए जिसमें कि वर्कर को कभी भी इन्फीरियर फील ना करना पड़े सो दैट कि मैनेजमेंट ये फील करे दैट वर्कर्स आर आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट एंड दैट इज व्हाट वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेड यूनियन आर तो इस तरह के ये चार ऑब्जेक्टिव हैं ये की ऑब्जेक्टिव होते हैं ट्रेड यूनियंस के द फर्स्ट फंक्शन इज कलेक्टिव बार्गेनिंग बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स तो सबसे पहला काम जो इनका होता है वह होता है कि वर्कर के डिमांड्स को लेकर मैनेजमेंट के सामने जाना और मैनेजमेंट से लगातार नेगोशिएट करना ट so की किसी तरह से एक बारगेनिंग हो जाए जहां पर मैनेजमेंट भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करे थोड़ा वर्कर भी कॉम्प्रोमाइज करे बट फाइनली एक ऐसे डिसीजन तक हम पहुंच जाए जिससे कि कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन ना आए वर्कर को भी फायदा हो और मैनेजमेंट को भी फायदा हो सो दैट इज द फर्स्ट फंक्शन कलेक्टिव बार्गेनिंग करनी है मतलब लगातार आपको नेगोशिएशन करनी है और लगातार आपको बार्गेनिंग करते रहना है मैनेजमेंट से विद रिस्पेक्ट टू वर्किंग कंडीशन विध रिस्पेक्ट टू सैलरी विद रिस्पेक्ट टू बोनस और विद रिस्पेक्ट टू एनी काफ डिमांड मेड बाय द वर्कसन इज एडवाइज द मैनेजमेंट ऑन पॉइंट नल पॉलिसीज जिस तरह से मैंने आपको जस्ट बताया कि मैनेजमेंट बहुत तरह की पॉलिसीज बनाती है बहुत तरह के प्रैक्टिस शुरू करती है तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप मैनेजमेंट को सही एडवाइस करें क्योंकि आप ग्राउंड लेवल पे वर्कर काम करता है ट्रेड यूनियन के जो लोग होते हैं वो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं दे कैन प्रोवाइड अ वेरी गुड एडवाइस टू मैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज इन टर्म्स ऑफ देयर प्रैक्टिस तो वो जो पॉलिसीज हो वो इस तरह की बने जिससे मैनेजमेंट का भी फायदा हो और वो वर्कर के भी सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट को बनाए रखें सो दैट इज द सेकेंड फंक्शन द थर्ड फंक्शन इज टेकिंग अप द इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव ग्रीवेंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अब हो सकता है कि आप एक ट्रेड यूनियन है आपके पास बहुत सारे मेंबर हैं बट सडनली एक एम्प्लॉय अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम लेकर आता है आपके पास जो मैनेजमेंट से किसी बात से परेशान चल रहा है तो वो एक इंडिविजुअल ग्रीवेंस लेकर आपके सामने आया है तब भी ट्रेड यूनियन उसकी बात को सुनती है और अगर उसको लगता है कि ये बात बिल्कुल जायज़ है तो वो मैनेजमेंट से उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए बात करती है इसके अलावा वो कलेक्टिव ग्रीवेंस को लो तो देखते ही हैं जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसमें कि बहुत सारे वर्कर्स इफेक्टेड हो रहे होते हैं फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आ रही है मैनेजमेंट जिससे कि बहुत सारे जॉब्स चले जाएंगे वर्कर्स के तो उन सभी चीजों के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना, करना, बात कलेक्टिव करना, का बहुत सारे होते है, तो जो ट्रेड यूनियंस होती है वो हमेशा टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करना कुछ हॉलीडेज को सेलिब्रेट करना कुछ फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना इस तरह के भी सारे काम वो करती है सो so देट एक बिलोंगिंगनेस क्रिएट हो towards the trade union the next important is organizing demonstration and strikes and put pressure on the management jaisa ki maine aapko just bataya ki agar collective bargaining se baat na bane अगर negotiation से बात ना बने और management अपनी zid पर आ जाए कि वो management किसी भी हद हाँ तक आप जा रहा है आपकी बात को नहीं सुन रहा सो इन दैट सिचुएशन डिमोन्स्ट्रेशन करना घिराव करना स्ट्राइक करना बॉयकऑट करना ये सब ट्रेड यूनियन कर सकती है एंड दे कैन पुट प्रेशर ऑन मैनेजमेंट टू मेक देयर डिमांड्स वर्क दे कैन पुट प्रेशर ऑन द मैनेजमेंट सो दैट द वर्कर्स इंटरेस्ट शुड बी प्रोटेक्टेड तो इन सभी चीजों के ऊपर ट्रेड यूनियन एक फंक्शन के ये सभी चीजें जो है ट्रेड यूनियन अपने फंक्शन में परफॉर्म करती है लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सिक्योरिंग द लेजिस्लेटिव प्रोटेक्शन ऑफ द वर्कर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट अब गवर्नमेंट ने भी इस तरह के बहुत तरह के लॉज बना रखे हैं जो वर्कर्स के फेवर में जाते हैं चाहे वो फैक्ट्रीज एक्ट की बात करें चाहे ट्रेड यूनियन एक्ट की बात करें तो ये भी इंश्योर करना ट्रेड यूनियन का काम होता है कि जो भी लेजिस्लेटिव प्रोटेक्शन गवर्नमेंट ने उनको दिया है या गवर्नमेंट की तरफ से उनको मिला है वो आप वो इंश्योर करें कि मैनेजमेंट उसको सही तरह से एक्टिवेट करे या सही तरह से उसको यूज करे सो दैट देट उनकी प्रोटेक्शन हो सके किसी भी तरह के एक्सप्लॉटेशन से सो दैट इज वॉट द डिफरेंट फंक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन आर ये जितने फंक्शन मैंने आपको बताया ये तीन तरह से कैटेगराइज हो सकते हैं द फर्स्ट इज कॉल्ड मिलिटेंट मिलिटेंट फंक्शन में जो भी आप एक्सट्रीम करते हो फॉर एग्जाम्पल आपने स्ट्राइक कर दिया आपने डिमॉन्स्ट्रेशन किया आप घेराव कर रहे हैं इस तरह की ऐसी कोई भी चीज करना या बॉयकॉट करना ये सब मिलिटेंट फंक्शन में आता है इसके अलावा जो नेक्स्ट फंक्शन होता है वो होता है फ्रेटरनल फंक्शन फ्रेटरनल फंक्शन मतलब समथिंग विच इज रिलेटेड टू फाइनेंस फाइनेंसेस का मतलब यह है कि कई बार ऐसा होता है कि जॉब वर्कर्स की जॉब रुक जाती है या वर्कर को जॉब से निकाल दिया जाता है या किसी पर्टिकुलर एक्सीडेंट की वजह से कोई जॉब नहीं कर पा रहा है सो इन दैट सिचुएशन ट्रेड यूनियन सामने आके उस तरह के एम्प्लॉइज को फाइनेंस भी प्रोवाइड करती है सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है उनकी फैमिली को तो यह भी उनके फंक्शन का पार्ट है और जो तीसरा फंक्शन है वो पॉलिटिकल फंक्शन है ज्यादातर ट्रेड यूनियन जो है वो ये कोशिश करती है कि उनको कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी की बैकिंग मिल जाए पॉलिटिकल पार्टी से उनको सपोर्ट मिल जाए उससे वो काफी स्ट्रांग हो जाते हैं और वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का पार्ट बन जाते हैं इसलिए जो ज्यादातर लीडर्स होते हैं पॉलिटिकल ट्रेड यूनियंस के वो हमेशा कोशिश करते हैं कि वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करें और किसी तरह से गवर्निंग बॉडी में चले जाएं अगर वो ऐसा करेंगे तो ऑब्वियसली उस ऑर्गेनाइजेशन उस के ट्रेड यूनियन काफी पावरफुल हो जाएगी और वो मैनेजमेंट से किसी भी तरह के डिमांड्स को मनवाने के लिए प्रेशर बना सकती है तो इस तरह के आप इसके जितने भी फंक्शंस हैं उसको तीन तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं मिलिटेंट फंक्शंस फ्रेटरनल फंक्शन एंड पॉलिटिकल फंक्शंस टॉक अबाउट वाई डू एम्प्लॉयज जॉइन ट्रेड यूनियंस आप

टू प्रोटेक्ट योर इकोनॉमिक इंटरेस्ट जैसा मैंने आपको जस्ट बताया था कि ट्रेड यूनियन आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देती है अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ जाएगा तो आपको उस प्रॉब्लम में से निकलने में ट्रेड यूनियन का काफ़ी साथ मिल सकता है काफ़ी सपोर्ट मिल सकता है इसीलिए इम्प्लॉय को लगता है कि अगर थोड़े पैसे देकर के मुझे मेंबरशिपिपि मिल रही है तो मुझे ट्रेड यूनियन की मेम्बरशि ले लेनी चाहिए थर्ड इज सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन एंड बिलोंगिंगनेस Obviously, क्योंकि तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन है और सभी वर्कर उसका पार्ट है तो अगर आप उसमें नहीं ज्वाइन करेंगे तो आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे यू विल बी अलोन ऑन वन साइड तो you यू डू यू it इट सो दैट यू फील अ सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन sense ऑफ बिलोंगिंगनेस बिकॉज everybody इज पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन सो यू आर also पार्ट वन ऑफ them. आप प्लेटफॉर्म टू एग्जिबिट लीडरशिप एंड सेल्फ एक्सप्रेशन एक और जो सबसे बड़ा रीजन होता है कि अगर आप लीडर बनना चाहते हैं आप में कहीं ना कहीं मैनेजमेंट करने की एक एक इच्छा है एक डिज़ायर है और अब अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं काम के लिए या किसी भी तरह के एजेंडा के लिए तो वो यहां से किया जा सकता है ट्रेड यूनियन अपने आप में एक लीडरशिप प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसको आप यूज कर सकते हैं फॉर एक्सप्रेसिंग यूर्स इसके अलावा जो एक लास्ट रीजन रह जाता है दैट इज योर बैकग्राउंड रीजन अगर आप लेबर बैकग्राउंड से ही हैं मतलब आपके फादर या आपके फैमिली में बाकी लोग भी लेबर क्लास में ही रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको वहां से भी एक आइडिया मिल जाता है या वो लोग आपको सजेशन दे देते हैं दैट इफ यू आर पार्ट ट्रेड यूनियन यू आर मोर प्रोटेक्टेड यू आर मोर सेफ योर इंटरेस्ट आर मोर सेफ तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी लोग ट्रेड यूनियन ज्वाइन कर लेते लास्ट इज इज द क्रिटिसिज्म ऑफ ट्रेड यूनियन ट्रेड यूनियन अगर आपको अभी तक लग रहा होगा इस ट्रेड यूनियन से तो फायदा ही फायदा है बट कुछ क्रिटिसिज्म भी है क्या reasons है कारण है जिसकी वजह से हम ट्रेड यूनियन को क्रिटिसाइज करते हैं द फर्स्ट रीजन इज में, होता है ये तो उस में क्या होता है, तो उनका जो होता है वो बहुत नैरोग्जाम्पल देआर ओनली फाइटिंग फॉर अट्टिकुलर थिंग वो एक लार्जर व्यू को नहीं देखते वो सिर्फ एक छोटे से नैरो से देख रहे होते हैं कि हमें अपनी बात मनवानी है राधर देन अंडरस्टैंडिंग लार्जर पर लॉन्ग टर्म में उनको क्या फायदा हो सकता है तो कई बार जो उनका पर्स्पेक्टिव होता है वो बहुत नैरो कही ना कहीं उनको नुकसान कराता है लॉन्ग टर्म में उनको लॉस देखना पड़ जाता है सेकंड इज पर्सनल इंटरेस्ट इन ट्रेड यूनियन अब जितने भी ट्रेड यूनियन में लोग होते हैं ऑब्वियसली जो लीडरशिप पोजीशन पे है चाहे वो मैनेजर है कोई कोई सेक्रेटरी है कोई वहां का कोई एक्टिव मेंबर है तो ये लोग क्या करते हैं ये अपने पर्सनल एजेंडा को पूरा करने की कोशिश करने लग जाते हैं रादर देन फाइटिंग एंड फाइटिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज और उसकी वजह से कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इस ट्रेड यूनियन के होल आइडिया का बिकॉज अगर आप पर्सनली एक ऑर्गेनाइजेशन में आप अपने पर्सनल एजेंडा को ऑर्गेनाइजेशन से ऊपर रख देंगे तो वहां पर आपको कभी भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर सकती कभी वो ट्रेड यूनियन बहुत अच्छे से फंक्शन नहीं कर सकता जो थर्ड इज कई बार ट्रेड यूनियन को यह लगता है दैट कि मिलिटेंट फंक्शन अगर हम यूज करेंगे मतलब हम स्ट्राइक करेंगे हम बॉयकआउट करेंगे तो हम कहीं ना कहीं अपनी बात को मनवा लेंगे बट ये जो ओवर यूसेज है वो उनको काफी नुकसान कराती है क्योंकि अगर आप कोई चीज एक बार करेंगे या दो बार करेंगे तो ऑब्वियसली उस चीज का इफेक्ट देखने को मिलेगा बट अगर आप बहुत बार करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा या तो ट्रेड यूनियन के रिकॉग्निशन को ही खत्म कर देती है मैनेजमेंट या फिर वो आपकी किसी भी डिमांड को कभी नहीं मानती और आपका कई बार जॉब लॉस भी होता है इस वजह से भी ट्रेड यूनियन को काफी क्रिटिसाइज किया जाता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द रजिस्टेंस टू चेंज ट्रेड यूनियन जनरली बहुत रजिस्टिव होती है किसी भी तरह का चेंज आ रहा है चाहे एक घंटे का एक्स्ट्रा टाइम आपको काम ही करना पड़ रहा है लेकिन वो भी आप उसको भी ट्रेड यूनियन काफी रजिस्ट करता है चाहे कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसको भी बहुत रजिस्ट करता है हर चीज को बहुत पैसमिस्टिक अप्रोच से देखता है ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच तो ये कुछ रीजनस हैं ये कुछ कारण है जिसकी वजह से ट्रेड यूनियन को क्रिटिसाइज किया जाता है सो आई होप द टॉपिक इज क्लियर थैंक्स फॉर वॉचिंग अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें लाइक करें एंड डू शेयर विद अदर स्टूडेंट सो दैट दे गेट और ऑल्सो बेनिफिटेड आउट ऑफ इट विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन वेरी सुन बाय